हरक सिंह रावत जी आज ये एयरपोर्ट पे पहुंच गए हमारे साथ बात करने के लिए हैं। रावत जी, अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि आपने तो कहा है कि अल्पमत में सरकार है, राजभवन में मुलाकात कर चुके हैं और सीएम मानने को तैयार नहीं है कि बजट गिर गया है। अब सीएम नहीं मानने के लिए तैयार है, मैं तो देखो सीएम भी नहीं कहना चाहता हूँ। हरीश रावत जी अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं सोचता हूँ दुनिया का दूसरा नहीं हो सकता है। पूरे दुनिया देखा है, पूरे सदन में देखा है कि 35 विधायकों ने खिलाफ मतदान दिया है और उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि मैं तो बहुमत में हूं तो अपना भैया अपनी डपली अपना राग करते रहो। ये लोकतंत्र कोई हरीश रावत जी के कहने से नहीं चलेगा, संख्या बल के पल पे चलेगा। संख्या बल विधान भवन में दिखाया गया, जो राज्यपाल के पास दिखाया गया, क्या राष्ट्रपति के पास भी आप लोग जा सकते हैं कि वो कम से कम इसकी नौबत नहीं आएगी। और मैं सोचता हूँ कि ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, नियमों के हिसाब से चलता है और कोई फाइनेंशियल बिल अगर गिर गया तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी हरीश रावत को रहने का अधिकार है सरकार में। अब आप लीला होटल जा रहे हैं, आगे की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से आगे काम किया जाएगा? देखिए जो भी होगा अच्छा होगा और प्रदेश के हित में होगा। हमारे पास जितने भी समय बचा है चुनाव में जाने के लिए, इस समय में हम बहुत अच्छे निर्णय लेंगे। तो चुनाव किया जाए दोबारा या फिर सरकार का एक गठन के लिए एक साल बचा हुआ? अभी सरकार का गठन होगा और उसके बाद फिर हम निर्णय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। समाचार प्लस का वक्त देने के बाद बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल चुनाव में नहीं जाना चाहते, यानी विधानसभा भंग करने की मांग कांग्रेस के बागी खेमे की तरफ से नहीं होगी, बल्कि जो एक साल बचा हुआ है उसके लिए नई सरकार का गठन किया जा सकता है। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डबास, दिल्ली, समाचार प्लस।